हेलो, नमस्कार दोस्तों। कितनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। दोस्तों, ये एक डायलॉग है ओम शांति ओम का, और इसका लिटरल मीनिंग यह है कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने का में जुट जाती है, एक तरीके से प्रयास करती है पूरा। तो हुआ क्या है, ये क्यों इस जगह पर बता रहा हूँ, ये आपकी पढ़ाई से किस तरीके से रिलेवेंट है। आप जब पूरी तैयारी से आप उसमें जुट जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि ये पूरी कायनात है, ये आपको क्वालिफाई कराने के पीछे पड़ जाएगी। ठीक है, अभी देखिए, कुछ सप्ताह ही पहले की बात करें, ना आप मुझे जानते थे ना मैं आपको जानता था, परंतु अब हम एक दूसरे को जानते हैं और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं और आप मुझे फीडबैक दे के मेरी हेल्प कर रहे हैं, हम दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी जो ये वीडियो है ये हम बना रहे हैं अप्रैल का, करंट अफेयर का चल रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको करंट अफेयर जरूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम से पहले, तो मार्च तक के आपको दे दिए गए हैं, ये वीडियो है अप्रैल का। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है शोभा, शोभा प्रिया। उनकी डिमांड ये थी कि सर आप यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से तो टाइम काफी चला जाता है और मतलब क्वेश्चन कम हो पाते हैं, ऐसा कीजिए सर कि किसी पर नोट कर लीजिए आप पहले और फिर उसके बाद कीजिए। तो देखिए, उसमें थोड़ा सा लंबे समय मतलब उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, मगर शोभा जी बात यह है कि हमने आपकी रिक्वेस्ट, जो आपने कहा था, आपका आदेश कहूँगा मैं, रिक्वेस्ट तो नहीं कहूँगा, वो मान लिया है। और हम जो अप्रैल से आगे के हैं, अप्रैल मई जून, वो मैं आपको हैंड राइटिंग में दे रहा हूँ, वो मतलब मैंने लिख लिया है, क्योंकि मैंने टाइप तो नहीं किया मगर मैंने लिख लिया है, और उसी के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। फिर अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर आप करंट अफेयर की भी पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, एक डिमांड इधर से आई, एक इधर से आई, और तीन चार और आती हैं कि सर ऐसा करिए या इंग्लिश में दे दीजिए। तो देखिए, आप सारी तो पूरी नहीं हो सकती है, मगर जितना हो सकता है मैं आपको करने का प्रयास करता हूँ। तो आपकी एक डिमांड ये मैंने पूरी कर दी है कि जो है मैटर मैंने लिख दिया है, आपको उससे मिलेगा, ये आपके लिए गिफ्ट हो गया। दूसरा, जो अब करंट अफेयर जो ये 3 महीने के हैं, उसका आपको मैं एक जिप फाइल भी दे दूंगा, पीडीएफ फाइल है, वो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर 3ों मंथ की होगी। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ये आपके लिए सरप्राइज है कि अब जो है आपको मैं टाइप लिखूंगा नहीं ऑनलाइन। अब आपको देखिए, जो ये मैंने बनाया था इसका मैंने स्नैपशॉट ले लिया है और यहीं से आपको मैं समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, इसमें हर मंथ के 8 पेज खुलेंगे, आपको ये उसमें भी मिल जाएगा, आप जब डाउनलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक करके इसमें से समझते हुए चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, मगर इसमें से मैं कुछ समझा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो लंबा हो, क्योंकि आप डाउनलोड कर ही सकते हैं, ये थोड़ा सा इमेज क्वालिटी में आपको मिलेगा, मगर इतना है कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस ये वाली रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पाई है, इंग्लिश वाली, तो अभी आप हिंदी में ही कर लीजिए, क्योंकि अभी इंग्लिश का थोड़ा सा वो है कि आप प्री हो जाने दीजिए, उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा होता रहेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि सिंधु आयोग की बैठक कब, मतलब कहाँ हो रही है, दिल्ली में हो रही है, जो भारत की तरफ से है इसमें, वो है पीके सक्सेना। देखिए, सिंधु नदी के ऊपर विवाद चलता रहता है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ज्यादातर है, तो जो बैठक हुई है उसमें जल विवाद को लेकर ही बात होती रहती है, तो उसमें भारत की तरफ से जो है वो है पीके सक्सेना, और पाकिस्तान की तरफ से है मोहम्मद मेहर अली शाह। ठीक है, अब इसके अलावा ये भी बता देता हूँ कि किन किन नदियों पर भारत का वो है अधिकार है और किन पे पाकिस्तान का है। तो भारत के अंदर जो आती है वो रवि, सतलज और व्यास, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। उसके अलावा 2 अप्रैल यह है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के जाएं। उसके अलावा है, जो अगला क्वेश्चन है कि भारत वियतनाम की जगह मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया, मतलब क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ की जनसंख्या काफी बढ़ती जा रही है भारत की, तो अब दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, मतलब उत्पादन कर रहा है उसका, और चीन जो है इसमें इस समय जो है फर्स्ट है। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत अब दुनिया का नंबर 1 बादाम आयातक, यानी कि जो इम्पोर्ट करने में जो है हम बादाम को, आपको पता होगा कि बादाम जो है वो हमारे दिमाग के लिए, मेमोरी के लिए भी काफी अच्छे होते हैं, तो ये बादाम हम आयात कर रहे हैं बाहर से। ठीक है, उसके अलावा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, 2017 की रिपोर्ट है, इसके अंदर जो भारत का स्थान था वो 37 था और जो फर्स्ट स्थान पे था वो था यूएसए, तो दोनों ही स्थान आपको याद होने चाहिए। अब है अभ्यास खंजर, खंजर 5, ये किन के बीच में हुआ है, ये हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्यवाही में सहायता दिवस, ये भी एक दिवस है, काफी बड़ा सा नाम है, ये 4 अप्रैल को होता है, आप इसके बारे में याद कीजिए। देखिए, ज्यादातर ऐसी चीजें आप ऐसे कर लिए, अगर हो सकता है कि आपके किसी सगे संबंधी का या बर्थडे वगैरह होता है उसके आसपास की डेट है, तो उससे थोड़ा सा लिंक करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा
पर एक सम्मेलन हुआ, सातवां सम्मेलन, वो पूछा जा सकता है कहां पर हुआ, तो उसका आंसर है मॉस्को में। ठीक है, राइटिंग मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ आ रही होगी, अगर नहीं समझ आ रही तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, इसीलिए मैं आप थोड़ा सा बोलता भी जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि ये क्वेश्चन है कि अमेरिका चीन के बाद साइबर जो साइबर अटैक होते हैं उसके मामले में जो भारत है वो तीसरा सबसे असुरक्षित देश है, मतलब इन दोनों के बाद जो अगला अटैक का नंबर है वो भारत का ही होता है, इसलिए हमें अपने पीसी के अंदर साइबर सिक्योरिटी वगैरह या एंटीवायरस वगैरह डाल के रखना चाहिए ताकि हमारा कोई प्रीसियस डाटा है वो चला ना जाए, उस पर हैक ना हो जाए। जैसे कि आपने वैनाक्राई नाम का एक एंटीवायरस भी सुना होगा जिसने कैप्चर किए थे काफ़ी पीसी। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक समझाता हूँ कि अभी देखिए यूरो 6 ईंधन जो है वो दिल्ली शुरू करने वाला, दिल्ली पहला शहर बन गया। इसमें हुआ यह था कि अप्रैल से ये जो जैसे आपने देखोगे BS5 BS3 इस तरीके के जो इंजन होते हैं उस तरीके से जो ईंधन है ये यूरो 6, इसमें क्या है अभी जो हमारे इंजन तो अपग्रेड नहीं हुए हैं मगर दिल्ली ने अप्रैल से ही ये तेल देना स्टार्ट कर दिया है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि थोड़ा सा पेट्रोल जो एवरेज है गाड़ी का उसमें थोड़ी सी कमी आई है परंतु प्रदूषण उससे काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में प्रदूषण की बहुत ज़्यादा समस्या है। उसके अलावा विश्व धरोहर स्थल में जो है नॉर्थ ईस्ट के 6 स्मारक की पहचान की गई है, आप ये 6 याद कर लें। ठीक है, PDF आपको मिल ही जाएगा नीचे जिप में। उसके अलावा ये है कि सिडबी ने एक लॉन्च की है अपने स्थापना दिवस पे, उसका नाम है समृद्धि, समृद्धि की लॉन्चिंग के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया है, जो उसका स्थापना दिवस था वो समृद्धि, मतलब आप कुछ चीज़ें अभी आप रट लीजिए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाइए क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अब पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। फिर है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ये जो है 2017-18 में जो है कितने की मंजूरी मिली है, इसे ये आ सकता है क्वेश्चन, ये है 179.77 करोड़ की मंजूरी मिली है। ठीक है, इसके अलावा एक योजना है जिसे बोलते हैं रूपश्री योजना, वो लॉन्च की है ममता बनर्जी जी ने, और वो क्या है शादी से रिलेटेड है कि विवाह से पूर्व जो है 25,000 रुपये वो मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, क्या हो गया चेंज, हाँ चेंज हो गया, अब स्टार्टिंग से लेते हैं, ये सेकेंड वीक, एक मिनट दोस्तों मैं देख लूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ ये वाला, उससे पहले ये वाला पेज था, इसे थोड़ा समझा देते हैं, आपको नीचे सारे मिल जाएंगे। ये अब है कि एक ऐप है जिसका नाम है उत्तम ऐप, वो किस लिए है, वो पीयूष गोयल जी ने लॉन्च की है जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उन्हें कोयले की गुणवत्ता की निगरानी के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये सारा आप पढ़ लीजिए। हाँ देखिए, जैसे जिस ये दिवस जो है जैसे कि 5 अप्रैल को है समुद्री दिवस, तो आपको ये जरूर उसकी थीम जरूर विषय जो होता है वो जरूर याद करें, उसका वो है भारतीय नौवहन अवसर एक महासागर है। ठीक है, उसके अलावा ये हो गया आपका 5 अप्रैल समता दिवस, ये जगजीवन राम जी हैं, इनका 111वां जन्मदिन है। आपको पता होना चाहिए जगजीवन राम जो थे इनका सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, ये लगभग 32 साल तक ये कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको जीके में पूछा जा सकता है। उसके अलावा वैश्विक रसद सम्मेलन, ये रसद है थोड़ा सा लिखने में हुआ है, वैश्विक रसद सम्मेलन कहाँ, नई दिल्ली में। ठीक है, उसके अलावा है वन धन विकास केंद्र की स्थापना कहाँ हो रही है, वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हो रही है। ठीक है, और आपको पता होगा जैसे जियो के मोबाइल है, इसी तरीके जियो का पेमेंट बैंक स्टार्ट हो गया है, वो 3 अप्रैल से हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है, जैसे एयरटेल है, एयरटेल का भी पेमेंट बैंक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और ये सारे आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा हाँ देखिए, RBI की जो रेट होते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये अप्रैल का है, अगर आप जो है आप लेटेस्ट चेक करके जाएँ। ठीक है, उसके अलावा देखिए महाराष्ट्र के जेतापुर में 6 परमाणु रिएक्टर ऊर्जा रिएक्टर के लिए ये 2 कंपनियों के बीच में टाई अप हुआ है, इसमें भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और इलेक्ट्रिक डी फ्रांस ने, फ्रांस की है दूसरी कंपनी। ठीक है, उसके अलावा ये क्रूड स्टील में जो है चीन जो है वो फर्स्ट है और भारत अब दूसरा बन गया है, पहले भारत तीसरा था, जापान दूसरे पे था। ठीक है, नॉस्कॉम के अध्यक्ष ये हो गए देवयानी घोष। ठीक है, उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये छोटे छोटे लिखे हैं मैंने, ये आप पढ़ लीजिए, जैसे कि केरल ने 4थी बार संतोष ट्रॉफी जीती, मतलब आपको ये भी पढ़ना है कि किसे हराकर, ये रनर अप भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि बंगाल को हराकर केरल ने जो है वो जीती है। मिताली राज जो है उन्हें स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है वो भारत का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम ये लगभग आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक हो गया, अब हम अप्रैल के सेकंड वीक पे आते हैं। ठीक है, ये वीक वाइज बनाए थे मैंने,
इसके अलावा है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये 7 अप्रैल को होता है। इसके अलावा आप इसका ये थीम जरूर याद करें, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, हर कोई हर जगह। ठीक है, इस तरीके के प्रोजेक्ट पूछे जा सकते हैं। ये जो संयुक्त अभ्यास होते हैं, जो एक्सरसाइज होती हैं, इसका है डेजर्ट टाइगर 5, ये किसके बीच में होगा, यूएई और मलेशिया के बीच में। ठीक है, और फिर है विश्व होम्योपैथी दिवस, वो है 10 अप्रैल। ठीक है, उसके अलावा ये जैसे मैंने बताया था, इस तरीके के इंडेक्स काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये जैसे ये है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये है 130। ठीक है, और जो बांग्लादेश के अंदर जो है सरकारी नौकरियों से आरक्षण खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब भारत का कब होगा ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि जो हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा यह है अंबेडकर जयंती पर इस बार क्या किया गया। अंबेडकर जयंती होती है 14 अप्रैल को, भीमराव अंबेडकर साहब की, तो उसमें हुआ है कि स्वराज्य ग्राम स्वराज्य अभियान चलाया गया, वो कब है, 14 अप्रैल से लेकर 5 मई तक। उसके अलावा देखिए करनाल के अंदर जो है एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है गोवर्धन योजना। ठीक है, इसमें जो फंडिंग होगी वो सेंटर इसमें 60% करेगा और स्टेट 40%। ठीक है, ये थोड़ा फंडिंग का आप ध्यान रखिए, 60-40 आपका कन्फ्यूज ना हो जाए। उसके अलावा है कि असम का जो मानस नेशनल पार्क है जिसके अंदर एक सिंह वाला गेंडा जो है वो पाया जाता है, उसके अंदर वसंत महोत्सव मनाया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि वसंत महोत्सव कहाँ मनाया गया है। अब देखिए सरकार ने जो है एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, अगर आपने ये वाला हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा, अगर आप बायो के स्टूडेंट होंगे, ऑक्सीटोसिन होता यह है कि जो जैसे आप भैंस वगैरह होती है उसमें दूध का मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता था। ठीक है, तो अब इस चीज़ के लिए जो है अभी 1 जुलाई से इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ठीक है, और जो ट्रांसजेंडर है उनको जो पैन कार्ड होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, लोग बोलते हैं ज़्यादातर पैन नंबर, जबकि नंबर बोलना ही नहीं चाहिए, पैन में ही नंबर छुपा हुआ होता है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो स्वतंत्र इन्हें अलग से एक जेंडर दिया गया है इसमें। ठीक है, फिर है दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ बनेगा, वो गुजरात में बनेगा। ठीक है दोस्तों, फिर है ये इसरो का क्वेश्चन है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए और जो समझाने वाला है। देखिए आरबीआई जो है एक डाटा साइंस लैब स्थापित कर रहा है, जैसे आपको पता हुआ कि अब ऑनलाइन ज़्यादातर डिजिटल इंडिया वगैरह ये सब हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन वगैरह इन सब चीज़ों पर रखने के लिए जो है वो डाटा साइंस लैब है, ताकि अच्छे से सब कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह हो पाए। ठीक है, अगला अब देखते हैं, शुरुआत से लेते हैं। अगला है कि वर्ल्ड एक्सपो 2020, भारत ने वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई के साथ जो है इसमें एक समझौता साइन किया है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है क्या नहीं है वो आप रहने दीजिए, सिर्फ इतना है कि वर्ल्ड एक्सपो में किसके साथ किया है, तो दुबई के साथ किया है। ठीक है, उसके अलावा ब्रिटेन, देखिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मेसी को जिम्मेदार पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है। किसे किया है, लियोनेल द मेसी, आप जानते होंगे फुटबॉल के प्लेयर हैं, वही हैं। ठीक है, और विप्रो के जो हमारे हैं प्रेम जी, रशद प्रेम जी ने नॉस्कॉम के चेयरमैन की नियुक्ति हुई। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, हाँ फिल्म फेयर अवार्ड जो 65 फिल्म फेयर अवार्ड थे उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी वो थी असमिया। ठीक है, असमिया फिल्म है, असमिया मूवी, ये मतलब असम की मूवी है, उसका नाम है रॉक स्टार। और जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है वो विनोद खन्ना जी को मिला है। इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो है सिंजर, सिंजर नाम की मूवी है उसे मिला गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सब कवर कर सकते हैं। और जैसे कि राम कुमार जी का पूछा जा रहा है कि किस से रिलेटेड थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो वो एक चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आप ये बताइए कि आगे की जो वीडियो है आपको इस तरीके से चाहिए, या फिर आप वही वाला तरीका जो मैं जिसमें ऑनलाइन लिखता था वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता था, आप मुझे कंपेयर करके ज़रा बता दीजिए, ताकि मैं आगे के जो वीडियो है वो ये डिसाइड कर पाऊँ कि आपको इस तरीके से चाहिए या फिर दूसरे तरीके से चाहिए। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय नवाचार, जैसे मैंने बताया था इनोवेशन बोलते हैं, तो कॉमनवेल्थ कंट्री वो होते हैं जो कभी ना कभी जो है ब्रिटेन के जो गुलाम रहे थे, तो उसमें जो भारत का सूचकांक है वो 10वें स्थान पर है। ठीक है, ये स्थान अच्छा है। उसके अलावा मलेरिया शिखर सम्मेलन, ये 2018 का जो है कहाँ हुआ था ये पूछा जाता रहता है, ये लंदन में हुआ था। और विश्व अर्थ डे ये होता है 22 अप्रैल को, और यहाँ पर जो है जिसके थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करें। ठीक है, उसके अलावा है सर होम एक्सपो इंडिया 2018, ये इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, ये हुआ है ग्रेटर नोएडा के अंदर। ठीक है, और आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय एसएमई कन्वेंशन
2018, इसकी आप हो सके तो फुल फॉर्म देखें, अभी मैंने सिर्फ नोट किया है। और SBI भारत का सबसे विश्वसनीय बैंक में जो है वो शामिल हुआ है, ठीक है। और हाँ, एक सूचना और आई है कि जो वर्ल्ड बैंक की है ये रिपोर्ट कि 19 करोड़ वयस्क भारतीयों का अभी बैंक खाता नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा जनधन योजना जब चली थी तो काफ़ी खाते खोले गए थे, जबकि उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना था, उसके बावजूद भी अभी जो है 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका अभी खाता नहीं है। ये सब चीज़ें कराती हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, आपको वित्तीय समावेशन करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का खाता हो जिससे कि सरकार की योजनाओं से रिलेटेड जो भी फंडिंग हो, सब्सिडी हो, वो लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। अभी जो डायरेक्टर जनरल NCC जो है आर्मी के अंदर ही एक कोर होती है NCC, ठीक है, कॉलेज के अंदर भी NCC होती है, तो आर्मी के अंदर जो NCC है उसके जो हेड हैं डायरेक्टर जनरल, उनकी नया अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका नाम है PP मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट जनरल PP मल्होत्रा, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा कॉमनवेल्थ के अगला प्रमुख कौन है, वो है प्रिंस चार्ल्स। और धर्मेंद्र को जो है हमारे शोले फिल्म वाले धर्मेंद्र, इन्हें मिला है राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। पत्रकारिता के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, ये जीके में क्वेश्चन आ सकता है, पुलिंजर जो पुरस्कार है वो किसके लिए जाता है, वो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और किसको मिला है, द न्यूयॉर्क टाइम एंड दूसरा है द न्यू यॉर्कर, ठीक है। और राकेश रोशन जी हैं, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला है। और बंगाल की ये पूछा जा सकता है, बंगाल की दिगंबरपुर भारत की सबसे अच्छी ग्राम पंचायत रही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की एनिमेशन अग्रणी ये है, एनिमेशन मतलब एनिमेशन में ज़्यादा प्रतिभा थी इनकी, ये है भीमसेन खुराना, जिनका निधन हो गया, ठीक है। और ये नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन पर 3 बुकें लॉन्च की थी, उसमें थे मिस्टर MK गांधी चंपारण डायरी, जिनके लेखक थे अरविंद मोहन, ये आप लेखक जो हैं ये तीनों अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अब इसका मुझे लगता है 4th वीक रह गया होगा, हाँ ये 4th वीक है। इसमें विश्व पुस्तक दिवस ये है 23 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा, इसकी थीम है पढ़ना मेरा अधिकार है। ये देखिए थोड़ा सा विजिबल नहीं है तो इसीलिए मैं बोल के बता देता हूँ, पढ़ना मेरा अधिकार है, आप सभी का अधिकार है, आप पढ़ रहे हैं सब लोग, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अगला है कि 25 अप्रैल को क्या होता है, विश्व मलेरिया दिवस, इसका है रेडी टू बीट मलेरिया, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, जैसे कि हमारे भारत के अंदर जो है प्रेस को स्वतंत्रता है, कौन सा आर्टिकल देता है, वो आर्टिकल नंबर 19 जो हमारा 19 है वो प्रेस को स्वतंत्रता देता है, उसमें जो हमारी रैंक है वो है 138 180 में से, तो ये अभी काफ़ी हमें इसमें सुधार करना है ताकि ज़्यादा और स्वतंत्रता मिल पाए। फर्स्ट नंबर पर है नॉर्वे, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति, ये होता है भारत और मलेशिया के बीच में, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और एक है सागर कवच, कहाँ आयोजित किया गया था, ये तटीय सुरक्षा का होता है, तो ये केरल में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा है कि भारत जो गूगल है वो सबसे भरोसेमंद इंटरनेट ब्रांड है भारत का, ठीक है। अभी आपको पता होगा लाल किले पे काफ़ी कंट्रोवर्सी आई थी, तो लाल किले को क्या हुआ है, उसे गोद ले लिया गया है, किसने, डालमिया भारत का समूह जो है, डालमिया भारत समूह, उसने गोद ले लिया है कि उसकी मेंटेनेंस वगैरह, उसके अंदर फिर कुछ शॉप वगैरह लगानी है, तो ये एक तरीके से लीज पे आप समझ लीजिए वो दिया गया है डालमिया भारत समूह को, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला वकील है। दोस्तों अगला है J&K के मुख्यमंत्री के स्थान पर, अभी देखिए J&K के स्थान पर कविंद्र गुप्ता, ये देखिए अप्रैल का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि अब तो J&K में ये हो गया है कि वहाँ की अब सरकार ही नहीं रही है, वहाँ पर राज्यपाल शासन लगा दिया गया है, ठीक है, तो इस वाले को आप रहने दीजिए। और CSIR को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2018 का मिला है। दो हमारे ये हैं, एक तो है उस्ताद अमजद अली खां और है अनुपम खेर जो हमारे कलाकार हैं, इन्हें अवार्ड दिया गया है, इन दोनों को ही मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है, ये पढ़ें। और है सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है, वो है सितांशु यश चंद्र, और जो इनकी कृति है उसका नाम है बखार, ठीक है, तो बखार पूछा जा सकता है किसकी है, तो ये हो जाएगा। सरस्वती सम्मान किसे मिला है, उनका आंसर भी सितांशु यश चंद्र है, ठीक है दोस्तों। और 2021 की चैंपियन ट्रॉफी भारत में आयोजित की जाएगी, ठीक है, तो ये सारे लगभग क्वेश्चन हो गए हैं।
ये जो कवर हो गया है ये आपका हो गया है अप्रैल का पूरा मंथ। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको इस तरीके से चाहिए जैसा वीडियो ये बनाया है, या फिर आपको वैसा चाहिए जैसा कि मैंने पहले वाले बनाए हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है, मैं इस चीज़ का वेट करूंगा। जैसे ही आप बताएंगे उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाकर आपको 3 तारीख तक जो है, 3 की रात तक जो है, मैं आपको ये वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके अलावा अब थोड़ी सी बात ये देखिए, आप वो तो हो गया, आपकी मेहनत अच्छे से चल रही होगी, तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। एक मैं आप देखिए, आपने हमारे चैनल पे देखा होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का काफ़ी फोटो लगा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं प्रेरित हूँ उनसे, थोड़ा इंस्पायर होता हूँ उनके बारे में। एक मैं छोटी सी आपको एक कहानी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो फिर जैसे ही टीसी आया उनके पास टिकट चेक करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि सर टिकट दिखाइए, तो फिर वो ढूंढने लगे, उनके पास टिकट मिला नहीं, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही भुलक्कड़ के इंसान थे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें भूल जाते थे। तो हुआ ये कि वो टिकट ढूंढने लगे, नहीं मिला, तो टीटी ने कहा कि सर मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आपने टिकट ली होगी, ठीक है कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। तो टीटी उन्हें आगे निकल गया, फिर देखा तो फिर वो अपना टिकट ढूंढने लगे, तो फिर टीटी बोला सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैंने आपको बोल दिया आपको परेशान होने की बात नहीं है। फिर जब थोड़ा और आगे निकलता है टीसी, फिर देखता है, बोले सर मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो आइंस्टाइन रिप्लाई देते हैं कि ठीक है आप तो समझ गए, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। मतलब वो ये भी भूल गए थे कि उन्हें यही नहीं पता था कि उन्हें जाना कहाँ है, तो इसलिए वो अपना टिकट बार बार ढूंढने जा रहे थे। तो अगर किसी की मेमोरी कम है तो ये ना समझे कि उसे कुछ याद नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरीके की और भी मैं इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता रहूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये बताइए, और ये बताइए कि आपको करंट अफेयर इसी तरीके से चाहिए या फिर जैसे पहले बनाए गए हैं वैसे चाहिए। आप जैसा भी आपका हो, जैसे कमेंट जिसके ज़्यादा आएंगे मैं उसी तरीके से ये वीडियो बना दूंगा। आप प्लीज़ इस बारे में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।